हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चटपट रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लच्छा पराठा और मे बी द लेयर पराठा की रेसिपी। नॉर्मल पराठा तो हम अपने डेली रूटीन में खाते ही हैं, बट कभी कभी ये डिफरेंट पराठा हम ट्राई करें जो हमारे टेस्ट में एक नया फ्लेवर ऐड कर देता है, तो इसका मजा ही कुछ और होता है, खाने में भी उतना डिलीशियस लगता है। तो इसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है, सब घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही बनने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप्स ऑफ नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, तो मैंने इसको फिल्टर कर लिया है। प्रेफर करें आप इसे फिल्टर कर लें, मैं तो फिल्टर करके यूज करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 स्पून कुकिंग ऑयल यूज किया है, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल घर में होता है वही ऑयल इसमें यूज किया है, और थोड़ा सा अजवाइन डाला है। अजवाइन आपको पसंद है तो डालें, टेस्ट में अच्छा लगता है, वरना स्किप कर दें। थोड़ा सा नमक एज पर योर टेस्ट, मैं यूजुअली जब आटा गूंथती हूँ तो थोड़ा सा नमक ऐड ऑन करना प्रेफर करती हूँ, आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। और फिर इसको नॉर्मल जैसे हम रोटी और पराठे का आटा गूंथते हैं वैसे ही आपको इसको गूंथ लेना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही गूंथना है। पानी थोड़ा प्रिकॉशन के साथ डालें क्योंकि हमने ऑयल डाला है तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनने का चांसेस होता है, तो इसलिए पानी थोड़ा प्रिकॉशन के साथ डालें। और यहाँ पे मैं इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ और लगभग मेरा आटा गूंथ कर यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पे मेरा आटा तैयार है, इसमें मैं 1 स्पून ऑयल अब इस टाइम पे और ऐड कर दूंगी। 1 स्टार्टिंग में किया था, 1 स्पून ऑयल अभी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से बाइंडिंग कर लेंगे ऑयल के साथ। ऑयल डालने से क्या होता है कि हमारे रोटी और पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और कुरकुरे बनते हैं जब आप उन्हें बनाएंगे। यहाँ पर ये तैयार है, और एक निशानी बता देती हूँ, जब आपका ये जिसमें आप आटा बना रहे हैं वो प्लेट या बर्तन पूरा क्लीन हो जाए तो इट मीन्स आपका आटा बहुत अच्छा गूंधा है। इट्स जस्ट अ स्मॉल टिप इफ यू रिमेम्बर इट। तो यहाँ पर हम इसे 1/2 आवर के लिए ढककर रख देंगे। आटा बिल्कुल तैयार है, इसको एयर टाइट प्लेट से हम ढक के रखेंगे इस तरीके से कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए 1/2 आवर के लिए। तो इतने ये हमारा ढक के रखा हुआ है, इतने में हम अपना मसाला तैयार करते हैं, जो मसाला हम अपने पराठे के अंदर स्टफिंग करने वाले हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल घर के मसाले यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैंने आटे में ऐड किया इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। एंड 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। थोड़ी सी मैं यहाँ पे सौंफ ऐड करना प्रेफर करूँगी, आपको सौंफ पसंद है तो डालिए, क्योंकि जब वो हम पराठे में मुँह में आती है तो मेरे को बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे सौंफ डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतनी ही क्वान्टिटी में आप इसको डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा मसाला यहाँ पर तैयार है। तो हमारा 1/2 आवर हो गया है, तो यहाँ पे हम आटे को देखें तो काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो गया है, बट इसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा बाइंडिंग कर लें और फिर हमारा पराठा बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा हैवी सा लोई लूँगी, जो भी मैं इसको लोई बोलती हूँ। तो बहुत बड़ा पराठा बनता है, अगर कभी आपने मार्केट में इसको ट्राई किया हो तो काफ़ी हैवी और बड़ा होता है। तो ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट डबल जितना नॉर्मल पराठे का डबल साइज का मैंने यहाँ पे ये लिया है। तो इसको अच्छे से आप गोल कर लें और मैं आपको ये दिखाती हूँ पास से, ये देखिए तो बहुत हैवी पराठा बनता है। तो मैंने ये बना लिया है, इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। जितना आप नॉर्मल साइज का पराठा बनाते हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा लें, या फिर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी आप जिस भी चकले पे बना रहे हैं ना, तो वो चकले को हमें पूरा उतने साइज का पराठा बेलना है, क्योंकि ये पराठा शेप में काफ़ी बड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे लोई बना ली है, अब मैं इसको बनाने की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम जैसा अपना नॉर्मल पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलना है। तो नीचे मैं आटा डाल रही हूँ और एज इट इज़ हम वैसे ही इसको बेल लेंगे। बस ध्यान रखना है कि इसमें अभी इस टाइम पर कोई भी ऑयलिंग नहीं करनी है, पहले हम इसको पूरा जितना भी हमारा लंबा हम बेल सकते हैं उतना लंबा मैं इसको बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी बड़ा बेला है, तो जितना भी मेरा चकले का साइज है बेसिकली इसलिए मैं उतना बड़ा इसको बना लूँगी। और यही रीज़न था कि मैंने इसका जो लोई लिया है बहुत ही बड़ा लिया था, तो जितना बड़ा आप इसको बना सकते हैं उतना ही बड़ा इसलिए खाने में अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा बना लिया है,
अब इसके ऊपर मैं अब इस टाइम पे ऑयलिंग करूंगी, तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बहुत अच्छे से बनी है, आप यहाँ पे नॉर्मल ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर घी यूज कर सकते हैं। तो मैं हाथ से कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो मैं पास से दिखा रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से हर एक एक कोने पे घी लगाया है, तेल लगाया है, मैंने तेल यूज किया है। तो बहुत अच्छे से करें और उसके बाद हम इसके ऊपर मसाला स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मसाला आप स्प्रेड कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारा स्प्रेड ना करें, थोड़ा थोड़ा करें, वरना वो इकट्ठा एक जगह आ जाएगा। तो कोशिश करें कि इसकी आप लेयर बनाएं और इस तरीके से स्प्रेड करें कि वो एक एक आउटर कॉर्नर्स पे भी रहे और अंदर भी रहे। तो अब मैं इसको आपको फोल्ड करना बताती हूँ। हम पीछे से एक लेयर उठाएंगे, आधा आगे ले जाएंगे और फिर पीछे ले जाएंगे। देखिए उठाया मैंने, आगे ले गई और उतना ही पीछे ले आई। यही प्रोसेस हमको करते जाना है और इसी प्रोसेस से इसमें लेयर्स बन गए। मैंने उठाया, जितना आगे ले गई उतना ही पीछे ले आई और फिर उसको हल्के हाथ से प्रेस कर दिया। टाइट नहीं करना है, बहुत हल्का हाथ यूज करना है। तो यही प्रोसेस मैं करती जाऊंगी। बचपन में अगर कभी आपने यू नो फैन बनाया हो तो फैन भी बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, उसी शेप में हमें इसको करते जाना है। तो यहाँ पे ये मैंने पूरा एक पतला लंबा सा आपका यहाँ पे ये बन जाएगा और यहाँ पे ये लेयर देख सकते हैं आप, देखिए। तो इन्हीं लेयर्स को बनाने के लिए हमने इसको इस प्रोसेस में इसको फोल्ड किया है और यहाँ पे हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको लंबाई में थोड़ा सा दबा दबा के खींच सकते हैं। ये देखिए कितना लंबा बन गया है ये। तो इसलिए यही रीजन था कि हमने इसको बहुत हैवी पराठा बनाने के लिए हमने बड़ा गोला लिया था। और यहाँ पे मैं हल्की सी ऑयलिंग कर रही थी। अब इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। बीच में एक फिंगर रखिए और इस फिंगर के चारों तरफ मुझे इसको फोल्ड करते जाना है। बहुत ध्यान से देखिए, बीच में एक फिंगर रखी है, उस फिंगर के चारों तरफ मैं इसको बस फोल्ड करते जा रही हूँ। एक फिंगर आसानी के लिए बीच में रख लीजिए और ये जो लास्ट वाला है इसको सबसे ऊपर इसको दबा दीजिए। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए कितनी लेयर्स मेरी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही हैं और पीछे से भी देख लीजिए, पीछे से भी बहुत क्लियरली लेयर्स दिख रही हैं और आगे से भी दिख रही हैं। तो यहाँ पर मेरी ये लोई बनकर तैयार है। अब इसको हम नॉर्मल पराठे की तरह फिर से बेल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठा बेलते हैं उसी हिसाब से मैं इसको फिर से बेल लूंगी। कोई ऑयलिंग वगैरह कुछ भी दोबारे नहीं करना है, नॉर्मल अपना पराठे की तरह जैसे आप पराठा बनाते हैं उसी पराठे के हिसाब से इसको बेल लें। थोड़ा सा थिक रखें और ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें लेयर्स कितनी अच्छे से दिख रही हैं बेलने के बाद भी, और जो मसाले की लेयर है वो तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बिल्कुल क्लियरली लेयर्स दिख रही हैं। तो इसको मैं रख दूंगी एक प्लेट में, इतने में दूसरा पराठा आपको बना के दिखाती हूँ। जब भी आप प्लेट में रखें तो इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दें, जिससे कि हम दूसरा पराठा बेल रहे हैं ये वाला पराठा हमारा सूखे नहीं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल दिया है। अब सेकंड वाला मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ। मैंने इसको पहले नॉर्मल बेल लिया है, इसके ऊपर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ नॉर्मल जैसे ऑयलिंग करते हैं, और उसके बाद मैं इसमें मसाला डाल लूंगी। आप मसाले के साथ यहाँ पे यू नो हल्का सा कोरिएंडर भी ले सकते हैं, पिसा हुआ धनिया, मतलब धनिया पत्ते जो होते हैं उसको हल्का सा चाकू से थोड़ा थोड़ा काट ले और उसकी भी यहाँ पे लेयरिंग एक कर सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है। और एक सजेशन मैं देना चाहूंगी, आप यहाँ पे पनीर को भी क्रश करके पनीर की भी लेयरिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है, इस मसाले के साथ साथ आपका थोड़ा पनीर का पराठा भी बन जाता है और स्टफिंग बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। नॉर्मल धनिया के भी आप यहाँ पे स्प्रिंकल्स अगर कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब मैं दूसरी साइड से आपको दिखाती हूँ, मैं आगे लेके आई और पीछे ले गई। आपको जौन सा सही लगे आप उस तरफ से करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊंगी और पीछे लेके जाऊंगी। यही रीजन है कि मैंने आपको दो पराठे बनाकर दिखाए हैं, एक इस तरफ से स्टार्ट किया था, दूसरा दूसरी तरफ से स्टार्ट किया है। आपको जो प्रोसेस आसान लगे आप उस प्रोसेस से अपना पराठा बनाइए। और अगर आपको लग रहा है लेयर्स खुल रही हैं तो उसको इस तरीके से बीच में दबाते जाइए, बहुत हल्के हाथ से, बट टाइट नहीं करना है वरना आपकी लेयर्स उभर के नहीं आएंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बना दिया है और फिर हल्के हाथ से मैं इसको लंबाई में खींच लूंगी, बहुत हल्के हाथ से। और फिर इस पे थोड़ी सी ऑयलिंग मैं कर दूंगी, मेरे को प्रेफर लगता है ऑयलिंग करना, बट बहुत ज्यादा भी नहीं करना वरना आपका पराठा बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा।
और ऑयलिंग करने के बाद हल्के हाथ से इसको लंबा लंबा खींच लेंगे। ये देखिए कितना लंबा बन गया है। और सेम प्रोसेस से इसको मैं फोल्ड कर लूंगी। एक उंगली मैंने बीच में रखी है और उसके बाद जितना भी मेरा ये लंबा है उसको मैं इसके चारों तरफ लपेटती चली जाऊंगी, तो एक तरीके से ये हमारा गोला बन जाएगा। ये देखिए, और जो लास्ट का बचा है उसको ऊपर लगा देंगे। तो जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारी एक एक लेयर बिल्कुल क्लियर दिखती है। अब मैं इसको नॉर्मल पराठे की तरह बेल लूंगी। तो बनाना है ना बहुत आसान दिलच्छा पराठा। हम बाजार में खाते हैं, हमको कितना टेस्टी लगता है, बट कोई भी चीज बनाने में मुश्किल नहीं होती। सब चीजें घर में बहुत आसानी से बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर चाहिए और थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होता है। छोटी छोटी चीजें होती हैं वरना हमारा खाना थोड़ा बिगड़ भी जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक एक लेयर दिख रही है। मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है और अब हम इसको नॉर्मल पराठे की तरह सेक लेंगे। मैं आपको सेक कर दिखाती हूँ। मतलब जैसे नॉर्मल आप पराठा सेकते हैं, बिल्कुल एज इट इज हम इसको सेक लेंगे। और सेकते टाइम भी आप देख सकते हैं कि मेरी जो लेयर्स हैं मतलब वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। मैं इसको आपको बनने के बाद भी दिखाऊंगी। बहुत ही भुरभुरा सा पराठा बनता है ये। और यहाँ देखिए हमारा पराठा रेडी है। यहाँ पे कितना यम्मी लग रहा है ना, डिलीशियस। तो अब आप घर में इस पराठे को बनाइए, देखिए। और लेयर्स भी कितने अच्छे से दिख रही हैं, क्लियरली विजिबल है। ये देखिए मेरा पराठा बनकर तैयार है एकदम। और अब मैंने इस पे थोड़ा सा बटर डाला है। और ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से एकदम क्रिस्पी सा पराठा बनता है, बहुत भुरभुरा सा। और लेयर्स देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा, यम्मी सा। तो फिर देरी किस बात की, आप भी चलिए बनाइए फटाफट। मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, फटाफट इसको बनाइए, तैयार कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।